Nazism and the rise of Hitler. In last class we have already discussed कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसमें जर्मनी को डिफीट मिली थी, राइट? जर्मनी वॉज डिफीटेड, करेक्ट? जर्मनी वॉज डिफीटेड इन योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ऑफ विच जर्मनी फेस मेनी ह्यूमिलेशन, है ना? हमने पढ़ा था कि जर्मनी को डिफीट कर दिया गया था, उसके बाद जर्मनी को क्या समझा गया था? कल्प्रिट समझा गया था वॉर का, जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत ज्यादा कंपनसेशन पे करना पड़ा था। तो फिर हमने पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस क्या थी, पॉलिटिकली वाइमर रिपब्लिक जो वहां की गवर्नमेंट थी उसको बहुत ही खराब समझा गया, राइट? कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से कुछ क्या जर्मनी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। पॉलिटिकली वाइमर रिपब्लिक को डिफीट कर दिया गया था, बहुत ज्यादा उसको क्रिटिज्म सहना पड़ा था, मतलब कि बहुत ज्यादा उसकी निंदा हो रही थी। उसके बाद इकोनॉमिकली हमने पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ना, पॉलिटिकल पढ़ा, क्या पढ़ा कि इन्फ्लेशन आ गया था जर्मनी में, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं था। उसी टाइम अमेरिका जो जर्मनी की हेल्प कर रहा था वहां पे भी ग्रेट डिप्रेशन आ गया, अमेरिका की इकोनॉमी गिर गई और उसके बाद उसका पूरा इफेक्ट जर्मनी पे भी पड़ा, ठीक है? तो हमने अब ये सब पढ़ लिया। तो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वाइमर रिपब्लिक के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लोग उस पर अब ट्रस्ट खो चुके थे क्योंकि वो कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था, कहाँ के लिए? जर्मनी के लिए। तो ये सारी कंडीशन किसके किसकी तरफ डायरेक्ट हो रहे थे? ये एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है? ये सारे प्रॉब्लम्स एक न्यू गवर्नमेंट को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसी टाइम क्या हुआ, अब हम आ जाते हैं किस पे, हमारे पूरे चैप्टर के मेन प्रोटोगोनिस्ट, मतलब कि मेन कैरेक्टर पे, मतलब कि हिटलर पे, ठीक है? हिटलर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1889। हिटलर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1889। वेयर ही वॉज बॉर्न? ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया नाम के प्लेस पे, जो कि यूरोप में कंट्री है, वहां पे हिटलर बॉर्न हुआ था। कब? इन द ईयर 1889। हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था, हिटलर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था। वो कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, हिटलर की बॉर्न हुआ था ईयर 1889, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था। उसने ये सब भी देखा कि कैसे उसकी जो जर्मनी था वो जर्मनी में रहने लगा था, ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था बट जर्मनी में आके रहने लगा था। तो उसने देखा कि कैसे जर्मनी को कितना ह्यूमिलेशन सहना पड़ा, जहां पे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की वजह से कितना ज्यादा ह्यूमिलेशन, कितना ज्यादा प्रॉब्लम सहने पड़े थे, कितना ज्यादा उसको कल्प्रिट माना गया था, कितना ज्यादा जर्मनी से रिसोर्सेस छीना जा रहा था, ठीक है? तो ये सब देख के हिटलर को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो जर्मनी में ही पला बड़ा था, जर्मनी का ही अब एक सिटीजन था, उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था और उस वक्त वो काफी यंग था, तो इसलिए वहां पे उसको छोटे मोटे ऑफिसर, मतलब कि कॉर्पोरल कहते हैं, ठीक है? कॉर्पोरल मतलब कि लो रैंक ऑफिसर की पोस्ट मिली थी कहां पे? जर्मनी आर्मी में, ठीक है? यू कैन राइट दिस इम्पोर्टेंट वर्ड, जो मैं बोलती हूँ ना इम्पोर्टेंट वर्ड आपको लिखने हैं, वो ये सारे वर्ड आपकी कॉपी में होने चाहिए। लो रैंक ऑफिसर कहां पे था? जर्मन आर्मी में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बस वो एक छोटा सा ऑफिसर था जर्मनी आर्मी में, इसलिए उसने वर्ल्ड वॉर को बहुत ही ज्यादा करीब से देखा था, सब कुछ उसने देखा था, क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या जर्मनी कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और क्या क्या जर्मनी को सहना पड़ रहा है। और ये सब कुछ हिटलर देख रहा था कि कितना ज्यादा उसको प्रॉब्लम सहना पड़ा है कहाँ पे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिसर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी आर्मी में। तो यही सारी चीजें उसको बहुत ही ज्यादा खराब लगी कि कितना ज्यादा उसका
कंट्री को लो दिखाया जा रहा है, कितना ज्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, वो इससे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, ठीक है। तो उसके बाद जो है हिटलर ने ये ठान लिया कि अब मैं जर्मनी को उसकी पोजीशन लौटा के रहूंगा। जितना भी वर्सली ट्रीटी ने हमारे जर्मनी के साथ बुरा बर्ताव किया है, हम उस सबको हटा देंगे और जर्मनी को उसका प्रॉपर पोजीशन जो है वो दिला देंगे। अभी भी वेमार रिपब्लिक ही रशिया में अभी हिटलर स्टार्टिंग कर रहा है, हिटलर अभी अपनी छोटी मोटी पार्टी बना रहा है, हिस्ट्री देख रहे हैं हिटलर की, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे आएंगे कि कैसे हिटलर का डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुआ, उस पर आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी वेमार रिपब्लिक ही है रशिया में और हिटलर से कुछ पार्टीज को ज्वाइन कर रहा है, मतलब कि हिटलर का पॉलिटिकल करियर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फाइनली कल मैं पार्टी वार्टी बना ले रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया हूँ, तो उसमें 1923 में ही एक कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट किया उसने, सोचा कि अब जो है मैं हमला करके एक राज्य जीत लूंगा, जैसे वॉर करके होता है ना, कंट्रीज दूसरे कंट्री पे वॉर कर दिया, जीत गए तो उतना राज उनका, वैसे हिटलर ने स्टार्टिंग में सोचा कि मैं ब्राविया का कंट्रोल ले लूंगा, ठीक है, ब्राविया का कंट्रोल ले लूंगा। जहां पे था ब्राविया, जर्मनी में ही था, एक छोटा सा सिटी था, वहां का कंट्रोल कर लूंगा, ठीक है। उसने हमला करके कंट्रोल करने की कोशिश की, पर वो यहाँ पे हार गया, ठीक है, वेमार रिपब्लिक के जो सोल्जर्स थे उनसे हार गया और उसको कुछ वक्त के लिए जेल में डाल दिया गया और उस पर ट्रेशन का चार्ज लगाया गया। ट्रेशन मतलब क्या होता है? ट्रेशन मतलब देशद्रोह, ठीक है, बिट्रेयल फ्रॉम वन्स ओन कंट्री, बिट्रेयल ऑफ वन्स ओन कंट्री, ट्रेशन मतलब होता है देशद्रोह, ठीक है। तो उसमें देशद्रोह का चार्ज लगाया गया, कुछ वक्त के लिए जेल में डाल दिया गया, पर क्योंकि उसकी पार्टी के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा थे तो ये देखते हुए उसको छोड़ दिया गया। ये सारी हम पॉलिटिकल बातें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसको फिर छोड़ दिया। ब्राविया के तो मतलब ब्राविया की कहानी खत्म हो गई उसकी। अब हिटलर ने बोला कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो फेल हो गया, जो मैंने सोचा था कि मैं लड़की जीत लूंगा वो फेल हो गया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेमार रिपब्लिक में ही जाना पड़ेगा, मुझे ओरिजिनल गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी चलती है मुझे उसमें ही। तो उसने पूरा लीगल मेथड फॉलो किया। लीगल मेथड कैसे फॉलो किया? उसने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, उसकी पार्टी को पहले तो वोट नहीं मिले, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से वो लड़ा, फिर उसको थोड़े बहुत वोट मिल गए, क्योंकि कंटिन्यूअसली लोगों का ट्रस्ट वेमार रिपब्लिक पर से गिरता जा रहा था, ओके, कंटिन्यूअसली लोग जो वेमार रिपब्लिक पर बिलीव नहीं कर रहे थे। इसलिए पहले जब हिटलर ने इलेक्शन लड़ा तो उसे बहुत कम वोट मिले थे, पर नेक्स्ट टाइम उसे ज्यादा वोट मिल गए थे, ठीक है। अब हिटलर की जो पार्टी थी पूरा वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, उसकी जो नाजी पार्टी थी मतलब नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, वो अब बहुत ज्यादा फेमस हो गई और वो सत्ता में भी आ गई, मतलब कि वो उसने पार्लियामेंट में भी अपनी जगह बना ली नाजी पार्टी में, ओके। और हिटलर की पॉपुलैरिटी का कारण क्या था? अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर हम लोग क्वेश्चन पूछे कि नाजी पार्टी की पॉपुलैरिटी का रीजन क्या था, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, पहला कि वेमार रिपब्लिक वीक हो रहा था, ठीक है, वेमार रिपब्लिक की पॉपुलैरिटी घट रही थी, ओके। नाजी पार्टी क्यों पॉपुलर थी, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो वेमार रिपब्लिक वीक थी, सेकेंड पॉइंट हिटलर बहुत अच्छा स्पीकर था, मतलब कि वो बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता था, जिसको सुन के लोगों का एकदम मन उसकी तरह मोहित हो जाता था कि हाँ कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जर्मनी को हम वापस उसी पोजीशन पे लेकर आएंगे, जर्मनी के साथ जितना वर्सलिस ट्रीटी में गलत हुआ उन सबको वापस अंडन कर देंगे, उसके साथ जितनी कंट्रीज उससे जितना पैसा जितना लैंड मार्क उसे छीन लिया गया है हम सब वापस दिला देंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों की पॉवर्टी को खत्म कर देंगे, ठीक है। और जितना भी बाकी कंट्रीज जो जर्मनी में जबरदस्ती अपना कल्चर छोपने की कोशिश कर रही है हम उन सबको खत्म कर देंगे। इस तरीके से हिटलर की बातों से लोग बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, मोटिवेट हो रहे थे,
और उन्होंने सोच लिया कि अब हमारे लिए कोई अच्छा कर सकता है तो वो कौन है, हिटलर है। इसलिए वो हिटलर की पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, और हिटलर की पार्टी क्या होती जा रही थी, पॉपुलर होती जा रही थी। उसने क्या क्या रीजन बताया, उसने बोला कि वर्सलीस ट्रीटी को हम अंडन कर देंगे, मतलब कि जो भी नुकसान किया है वर्सलीस ट्रीटी ने हम उसकी भरपाई कर देंगे, ठीक है। दूसरी बात उसने कहा कि हम इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारेंगे, मतलब कि कंट्री को वापस अपने पोजीशन पे ले जाएंगे जो जर्मनी पहले हुआ करता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। हम पॉवर्टी खत्म कर देंगे और यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। फिर उसने कहा फॉरेन इन्फ्लुएंस को हम कंट्री से बाहर निकाल देंगे, मतलब कि दूसरी कंट्री वाले जबरदस्ती हम पे जो अपना कल्चर थोप रहे हैं, हमें अपना ओरिजिनल कल्चर, अपना ओरिजिनल रिलीजन फॉलो नहीं करने दे रहे हैं, हम उन सबको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगी, जर्मनी के लोगों की, वाह कितना अच्छा लीडर है, डेवलपमेंट के लिए वो वादे कर रहा है, जैसे होते ना इलेक्शन के पहले वादे, वैसे वो वादे कर रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए लोग नाजी पार्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करने लगे, ठीक है। तो नाजी पार्टी जो है वो बिगेस्ट पार्टी बनती जा रही थी कहाँ पे, जर्मनी में। जैसे है ना बीजेपी पार्टी आज के टाइम में हमारी बिगेस्ट पार्टी है, वैसे ही नाजी पार्टी जो है वो बिगेस्ट पार्टी बनती जा रही थी जर्मनी में, ओके। जर्मनी को उसका प्रॉपर पोजीशन हम दिला देंगे, ठीक है। तो हिटलर ने ये बात ठान ली थी, ओके। तो हिटलर जो है, अब उसकी अगर हम हिस्ट्री देखें, वो बॉर्न हुआ था कब, ईयर 1889 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम जर्मन आर्मी, और वो एक कॉर्पोरल था, मतलब कि एक लो रैंक ऑफिसर था कहाँ पे, जर्मन आर्मी में। पर उसने ये बात ठान चुकी थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी हम जर्मनी को उसकी पोजीशन वापस दिलाएंगे। इसलिए हिटलर ने आगे जाके एक पार्टी ज्वाइन की, ठीक है। हिटलर ने एक पार्टी होती है ना, जैसे कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, वैसे एक छोटी मोटी पार्टी उस वक्त जर्मनी में चल रही थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, ओके। हिटलर ने उस पार्टी को ज्वाइन किया, क्या नाम था, जर्मन वर्कर्स पार्टी, वर्कर पार्टी। हिटलर इस पार्टी को ज्वाइन किया, सबसे पहले इस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। फिर हिटलर ने इस पार्टी को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया, ठीक है। उसके आने के बाद ये पार्टी बहुत ज्यादा फेमस हो गई, बहुत ज्यादा उसके विजिट बढ़ गए, बहुत ज्यादा लोग उस पार्टी के बारे में जानने लगे, ठीक है। तो इस पार्टी का नाम फिर उसने बदल दिया, इस पार्टी का नाम उसने बदल दिया और रख दिया नेशनल। अभी से जर्मन छोटी मोटी पार्टी थी, अब नेशनल लेवल पे पार्टी बन गई, नेशनल सोशलिस्ट नाम रखा उसने, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। छोटा नाम उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने क्या नाम रखा, उसने बड़ा, बहुत ही बड़ा सा नाम रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। अब पार्टी के नाम में वजन आ रहा है, भारी भारी सा लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ सच में कोई बड़ी पार्टी है ना। तो इसलिए हिटलर ने उस पार्टी का नाम चेंज करके रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी, और यही पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी बाद में जाके क्या कहलाई जाने लगी, नाजी पार्टी, मतलब कि हिटलर की पार्टी, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी ने अपना एक झंडा, बैनर सब तैयार कर लिया था, ठीक है। जैसे कि हर पार्टी का होता है ना सिंबल, एक किसी का हाथ होता है, किसी का कमल होता है, किसी का साइकिल होता है, किसी का लालटेन होता है, वैसे ही नाजी पार्टी का एक बैनर बन चुका था। बैनर क्या था, एक फ्लैग था रेड कलर का जिसपे स्वास्तिक बना हुआ था, ठीक है। एक रेड कलर का फ्लैग था जिसपे स्वास्तिक बना हुआ था, ये था नाजी पार्टी का सिंबल।